शाम का टाइम है और सिखा बनाने जा रही हैं बेसन के चीला। तो यहाँ पे घोल तैयार कर लिया है सिखा ने। बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए पलट दिया, अच्छा बना है। और यहाँ पे दीक्षा कर रही है प्रेस मेरी कुर्ती पे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आइए आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भेजी हूँ, मैं रजनी आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल जिसका नाम है रजनी लाइव ब्लॉग्स। और आज चीला बना रही हैं सिखा। बना बनाया मिल रहा है आजकल, तो मैं आराम से खा रही हूँ बना बनाया। तो सिखा चीला बना रही हैं और मैं अपने लिए लेके आई हूँ बेसन और प्याज के चीले। तो मैं खाने जा रही हूँ और सूरज की वजह से खाने में मूंग की दाल बन चुकी है और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो दाल उसकी वजह से बनी है क्योंकि अभी उसको जो है भी खाने की जो है मना है, क्योंकि गैस प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो उसकी वजह से दाल बनी है मूंग की। तो एक आधी रोटी जो भी खाएगा वो खाएगा। तो अभी मैं फ़िलहाल चीला खाने जा रही हूँ, आप लोग भी आ जाइए, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में चीला खा के। चीला हमने खा लिए, बहुत अच्छे बने थे, सिखाने बनाए थे। और हाँ भैया, वीडियो तो नहीं बना सकते तुम्हारी के, फिर अभी तुम्हारे घर से कॉल आएगी, क्या फ़ायदा है। और सूरज के पास अभी सूरज के फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। तो मैं दूसरे रूम में आ गई आप लोगों से बातें करने। और फिलहाल सूरज को खिचड़ी खिला दी थी मैंने अभी, थोड़ी देर बाद दाल से एक रोटी खिलाऊंगी और थोड़ा सा रिलीफ है उसको दर्द में भी। अब चोट इतनी है तो ये तो सबको पता है कि टाइम भी लगेगा ठीक होने में, और जब चोट है तो दर्द भी बहुत होगा ही। वो तो पेन किलर वगैरह भी चल रही है और एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी चल रहे हैं, लग रहे हैं उसको। तो वैसे थोड़ा सा जो है पहले से रिलीफ है दर्द में भी और आराम है। टाइम तो लगेगा ठीक होने में, वैसे लग रहा है कि 8-10 दिन में अपने आप जो है चलने लगेगा। अभी नहीं अच्छे से चल पा रहा है, उठना बैठने में भी हेल्प करनी पड़ती है, उठाना पड़ता है सहारा देके तभी उठ पा रहा है। और तो लग रहा है कि 8-10 दिन में अपने आप उठने बैठने लगेगा। और बाकी सब ठीक है, और वीडियो भी हमारी यहीं पे एंड होती है क्योंकि आजकल टाइम ही नहीं मिल पा रहा जो मैं वीडियो लॉन्ग वीडियो बना पाऊँ। और ये देखो सिखा हंस रही हैं, पता नहीं किस बात पे हंस रही हैं, पर मैं इनकी वीडियो नहीं बना सकती। शांत रहोगी कि नहीं रहोगी? नहीं, अभी हम तुम्हारी वीडियो बना लेंगे, समझ लेना फिर तुम। और फिर शांत नहीं रहोगी तुम? चलो अच्छा, यहाँ से दूसरे रूम में जाओ। सिखा हंसी दिलवा रही थी और बाकी वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और फिर बताएंगे आपको सूरज के हालचाल। और बाकी सब ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।